केले जो कर बढ़िया सर दिखा दो अपने। हाय एवरीवन, सुनीला प्रौड़ पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा और गेट टुगेदर है। आप सोचेंगे कि क्या गेट टुगेदर की दोबारा। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आप लोगों से। ये तो रानी है जो पोल्डू बना रही है। और आपको मालूम होगा कि पोल्डू हमारे क्यों बनाते हैं। जो खुशी का मौका होता है उस टाइम हमारे पोल्डू बनाते हैं। तो आज भी खुशी का मौका है। और ये कौन सा खुशी का मौका है ये थोड़ा आगे मैं बताऊंगी। और ये है हमारी जेठानी जी, ये वाले, तो ये इनका ही खुशी का मौका है। तो वो मैं आगे बताऊंगी। और वो जो वहाँ देख रहे हो आप, एक क्या बोलते उसको, गोल्टू गोल्टू है ये, उसका है कांसे का कि पीतल का, पीतल का गोल्टू वहाँ पे जो दीदी जी के पीछे है। इसमें दाल चढ़ी हुई है। और ये वाले चूल्हे में बन रहे हैं हमारे पोल्डू। तो आगे पोल्डू क्यों बन रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए, हमने इतने बना लिए हैं यहाँ पे। और ये हमारा ट्रेडिशनल पकवान है जो खुशी के मौके पर भी बनाया जाता है। तो फिर बने रहिए मेरे वीडियो में, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पोल्डू बना रहे हैं। और वहाँ पे देखिए कढ़ाई लगी है और उसके अंदर पोल्डू है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ये चूल्हा है ये लोहे का है, इसे अल्थान कहते हैं। तो यहाँ मैं भी बना रही हूँ और साथ में हम अपनी बोली में बात कर रहे हैं। और मैं फ्रेंड्स इनको बता रही हूँ कि मुझसे जो स्टफिंग वाले पोल्डू होते हैं यानी कि भरवे पोल्डू, वो ऐसे नहीं बनते हैं, बड़े बड़े मेरे से फट जाते हैं। इसलिए मैं सूखा भरवा ही यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं पोल्डू बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम पोल्डू बना रहे हैं। और इसे पहाड़ी लैंग्वेज में कहीं कहीं पकैन भी कहते हैं, लेकिन जो हमारा रोडू वाला एरिया है, रोडू जुब्बल कोटखाई एरिया, वहाँ पे इसे पोल्डू कहा जाता है। और रामपुर के आधे एरिया में भी जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ भी पोल्डू कहते हैं और बाकी पकैन भी कहते हैं, कुल्लू वगैरह साइड। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बड़ा सा गोल लगा है, इसे गोल कहते हैं। इसमें राजमा की दाल पक रही है और इसको पकाने वाले हैं मेरे हस्बैंड। और अभी की वीडियो लेने वाले भी मेरे हस्बैंड है। तो फ्रेंड्स, हमारे से पोल्डू बन गए हैं। तो अब हम पोल्डू के बाद जाएंगे बाहर और फिर दिखाऊंगी मैं आपको बाहर का माहौल। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे आसपास का माहौल, कितना खुशनुमा और खूबसूरत है। और फ्रेंड्स, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज यहाँ पे इस खल्याण में बहुत ज़्यादा चहल पहल है। और चहल पहल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वो आप देख शैटरिंग देख रहे हैं, वहाँ पे लेंटर पड़ने वाला है। और ये आप देख सकते हैं सभी लेंटर के लिए मटेरियल बनाने की तैयारी में है। वहाँ पे हमारे देव जेठ जी हैं जो पानी भरे, और उनके पीछे है हमारे जेठ जी का बेटा सनी। सनी ये है सनी मेहता। और ये है जेठ जी जो पानी के ड्रम भर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब लैंडर पड़ता है तो कितना ज़्यादा रेशो मिलाया जाता है और फिर उसके लिए पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बिहारी बाबू जो मसाला मिक्स करने में लगे हुए हैं। बीनू, आप बीनू है, ये बीनू है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंटर पड़ने जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पुराना घर था, और जो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार आपको दिखाया है, तो ये पुराने वाला घर है और जिसको डेमोलिशन किया गया था और अब यहाँ न्यू बनने वाला है। तो आज लेंटर पड़ने वाला है। तो यही था हमारी जो पोल्डू बनाने का प्रोसीजर था हमारा, तो इसी खुशी में था, हम पोल्डू बना रहे थे। और ये भी पुराना घर है और यहाँ पे बैठी हैं हमारी देवरानियाँ, नहीं जेठानियाँ।
और बैठे हैं हमारे सास जी, तो मैं भी अभी इन्हीं के पास बैठूंगी। तो ये यहाँ पे हम बैठे हैं, अभी दोपहर का टाइम है, 12:45 का है ना, 12:45 है अभी ना। तो ये है जेठानी आशा मेहता, आपने देखा होगा गेट टुगेदर में जो जंगल में मंगल मनाया था हमने। और ये है हमारी जेठानी जी, इनको भी आपने देखा है। और ये है सास जी, इनको भी आपने देखा है पूजा की शादी में। और ये है हमारे जेठानी जी, इनको भी देखा आपने पूजा की शादी में। तो आज इन्हीं का ही लेंटर पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ है हमारे मिस्त्री बिहारी, बिहारी बाबू। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाना था ये। और तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे इसी जगह का जो पुराना घर था, तो आप वो देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये मेरे पास इस घर की पुरानी वीडियो थी जो डेमोलिशन किया गया है। जिस घर का डेमोलिशन किया गया है, ये वो वाला घर है। ये दो घर हैं इधर वाले पुराने, तो पिछले साल की वीडियो थी। तो अब इस मकान की जगह न्यू मकान बनाया जा रहा है। तो आप ये देखिए, अभी ये यहाँ पे ड्रम भरे गए हैं बहुत सारे, और वहाँ से जो हमारा वाटर टैंक है, वहाँ से हमने पानी की पाइप जोड़ी है। और ये है आसपास का व्यू। और इसके साथ ही देखना है आपने, ये लकड़ियाँ हैं, ये देखिए स्टोर की गई है लकड़ियाँ। ये हमारे दादा परदादा के वक्त से यहाँ पे स्टोर होती है सर्दियों के लिए। तो अब चलते हैं हम रानी देवी के पास। तो रानी देवी है गौशाड में, और ये लाया है रानी निकिता। तो ये रानी देवी है, ये हमारे गौशाड है। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पे अभी मिल्किंग हो रही है। तो अभी चलते हैं, कहीं हमारी गाय डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं होती, नहीं होती ये। तो मैं दिखाती हूँ रानी कैसी मिल्किंग कर रही है गाय की। ये देखिए, ये जी पोले नहीं सूए ने जी सगा बने रे। और फ्रेंड्स, जो ये वाली है, ये बच्चा देने वाली है आगे। अभी 3-4 वो देखो, इसको ना खुजली लग रही है। तो कैसे और इसका टैग नंबर है दौड़ेगी मोबाइल लगा। हाँ शरीफ जी गावी तो जे मुआ ना कहीं। तो ये और ये भी गाय के लिए पानी यहाँ स्टोर किया गया है ड्रम में। ये ड्रम खाली है अभी, क्योंकि लेंटर के लिए पानी जोड़ा गया है। और ये देखिए व्यू। अब चलते हैं पार वापिस। और फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए सास बहू की गप्पे चल रही है, और अब मैं भी वहाँ जाऊँगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा जो लेंटर का काम वो चलता गया। कोई बैठे थे, कोई काम कर रहे थे, तो कोई गप्पे मार रहे थे हमारी तरह। और फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो आज का लेंटर था वो ख़त्म हो गया। डल के जल्दी ही डल गया था, लगभग 3 बजे तक। और उसके बाद खाना वाना जो होता है, पार्टी शार्टी बिहारी लोगों की, तो वो हो गई थी। और फ्रेंड, इसी साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो यहीं क्लोज़ कर देती हूँ। तो बताएं कैसे लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।